हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके जॉब सेलर। दोस्तों, जो नोटिफिकेशन आपने देखी थी एसएससी लद्दाख जॉब के लिए, उस नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको एक्चुअली सिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। देखिए, आप ssc.nic पे जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर हियर के ऊपर आपने क्लिक करना होगा नीचे आके। तो जैसे आप रजिस्टर करते हो, अगर आप न्यू यूज़र हो तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको एक आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उस आईडी पासवर्ड को आपने क्या करना है, यहाँ बैक आके यहाँ पे लॉगिन करना है। हमने ऑलरेडी कर रखा है तो आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप कैप्चा एंटर करना होगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि लद्दाख रीजन वाले ही एलिजिबल हैं। एक बंदे ने कमेंट भी किया था कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो भाई, जाके आप नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए, वहाँ पे साफ लिखा है कि NWR रीजन वाले सारे एलिजिबल हैं, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में जो जो स्टेट्स हैं, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये जो है सारे वहाँ पे एलिजिबल हैं। जैसे आप इसको लॉगिन कर लेते हैं, सबसे पहले ऊपर आप देखेंगे कि सिलेक्शन पोस्ट लद्दाख 2022, ठीक है, इसके ऊपर अप्लाई के ऊपर आप क्लिक करोगे। उसके बाद आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ऑलरेडी फीड होगी यहाँ पे, और यहाँ पे आपने क्या करना है, NW सब डिवीज़न रीजन के ऊपर आपने क्लिक करना है। रीजन टू विच द पोस्ट बिलोंग, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि NW रीजन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। NW रीजन यानी नॉर्थ वेस्ट रीजन में लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, आपका चंडीगढ़, ये सारे आते हैं स्टेट्स। तो वो गधा है जो ऐसा कमेंट कर रहा है। मैं सीधा बोलूँगा, मैं किसी से ऐसे डरता नहीं, मैं गलत इन्फॉर्मेशन देता नहीं और मैं गलत सुनता भी नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने पोस्ट कोड यहाँ पे एंटर करना है, तो जाके आप इसको चेकआउट करिए नोटिफिकेशन में, जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। देखिए, किसी को डिस्करेज करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आपकी बात किसी को हर्ट कर सकती है, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करिएगा। आपको अच्छा नहीं लगता तो आप यहाँ से वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, बट आप डिस्करेज मत करिए किसी को। जैसे उस बंदे ने कमेंट किया, मैं कमेंट आपको दिखाता हूँ उसका। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन सेंटर चॉइस करना है। एग्जामिनेशन सेंटर चॉइस करने के लिए आपने क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद आप जम्मू में रख सकते हैं, लद्दाख में, श्रीनगर में, करगिल में, चंडीगढ़ में, या दिल्ली में आप सेंटर रख सकते हैं, जहाँ आपकी इच्छा है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इन जगह पे आप जैसे सेंटर के लिए क्लिक कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीन प्रेफरेंस आपने देनी होती है। आगे आपको बोला जाएगा कि अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आप यस या नो करिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी रजिस्ट्रेशन के दबान द्वारा आपने फीड की होती है वो फिल ऑलरेडी फिल आती है इसमें। जो कुछ होती है पोस्ट के रिलेटेड वो बाद में आप अप्लाई करना होगा। एज रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अगर आप आपको चाहिए तो आप यस पे टिक करें, अदरवाइज नो पे। यस पे करोगे तो SC ST के अकॉर्डिंग आपको एज में रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रहेगी पोस्ट के लिए आपने यस करना है, और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मेंशन करनी है। यहाँ पे अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको दो चीज़ें अपलोड करनी है, आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो का साइज़ जो है 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज़ जो है 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। या आपने ऑलरेडी यहाँ पे इसका साइज़ डिक्रीज़ करके रखना है। जिन लोगों को नहीं पता कि कैसे साइज़ डिक्रीज़ करना है, उसके लिए मैं वीडियो स्पेशल तैयार कर दूँगा, या फिर आप जाके ऑनलाइन सर्च करिए ऑनलाइन फ़ोटो साइज़ रिड्यूस, तो वहाँ से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फ़ोटो है, फ़ोटो ने डेट एक डेट मेंशन करी है कि 11 फरवरी से ओल्ड फ़ोटो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने लिखा है 11 फरवरी 2022, यानी कि 11/2/2022 से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर आपने क्या करना है, डेट लिखनी है। जैसे आपने फ़ोटो लगाओगे, फ़ोटो के ऊपर डेट लिखनी है, सिग्नेचर आपने अपलोड करना है, आई एग्री के ऊपर एंटर करके आपने कैप्चा एंटर करना है। जो कैप्चा आपके सामने दिया गया है उसको आप जैसे एंटर करोगे, आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना। प्रीव्यू के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, जो आपने डिटेल्स सारी यहाँ पे एंटर की हैं, उस डिटेल को आप
पढ़ सकते हैं और उसको एक बार आप ध्यान से देखिएगा, कोई मिस्टेक है तो आपने क्या करना है उसको एडिट कर लेना है, आप उसको एडिट कर सकते हैं। और जैसे आप इसको फाइनल सबमिट के लिए जाते हैं उसके बाद एडिट नहीं होता है। जो SC ST वाले हैं उनके लिए फ्री सबमिट होगा, बाकी वालों को 100 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी। यहाँ देखिए आप सबमिट का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि SC के लिए है, तो ये डायरेक्ट आप सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओके, यहाँ आप प्रिंट कर सकते हैं फॉर्म को या PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि हो सकता है कि आपके एक शेयर करने से किसी की लाइफ जो है सेट हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो चुके हैं क्योंकि वहाँ पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलती है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप NWR रीजन वाले जितने भी हैं अप्लाई करिए।